तो गाइस से नीचे भी टैक्सी स्टैंड है पूरा, और यहाँ ऊपर भी टैक्सी स्टैंड है, एम सिंह नमचाऊ आधारी लोकल टैक्सी स्टैंड कुछ ऐसा। तो गाइस इसका नाम है दीक्षा और ये नेपाल से है। हिंदी आती है प्रॉपर? थोड़ा तो नहीं आता है। यहाँ का व्यू नीचे का पूरे खेत खेत है, और खेत में कुछ लगे है। लड़कियाँ उसको टेक्स्ट मत करना मेरे को। एज कितनी है? 20 गाय से कितनी एज की लग रही है? सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, वो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, वो बाद में इंडिया से मिला है। और गाय सिक्किम में नेपाली लैंग्वेज बोली जाती है, नेपाल से काफ़ी मिलता जुलता स्टेट है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप लोगों का मैं स्वागत करता हूँ अपनी नई वीडियो में, और आज मैं बहुत टाइम बाद नए ब्लॉग लेके आया हूँ। और आप लोगों को पता है मैं अभी सिक्किम में हूँ, जिसने मेरी वीडियो देखी होगी। तो गाइस आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त नज़ारा और सिक्किम का ब्यूटीफुल व्यू। और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपनी यहाँ से, अपने जो रूम की खिड़की है यहाँ से दिखाने वाला हूँ बाहर का व्यू। यहाँ पे देखिए ये है खेत, यहाँ पे नीचे, और यहाँ पे देखिए जो कि हमारे गढ़वाल में इसको मुंगरी बोलते हैं, और ये भुट्टा भी बोलते हैं इसको। और देखिए पहाड़, पूरे पहाड़ में घर बने हैं यहाँ सिक्किम में। और आज का मौसम देखिए गाइस कितना प्यारा मौसम है, धूप भी नहीं लगी है। और देख सकते हैं यहाँ पे डेली शाम को बारिश, काफ़ी बारिश होती है हर शाम को। और ये अभी इधर गर्मी का महीना है, पर यहाँ गर्मी नहीं होती है, बहुत ठंडी होती है। तो देख सकते हैं कुछ ऐसा है इधर का नज़ारा। और यहाँ पे लोग कर रहे हैं अभी काम, जैसे कि लोग गांव में काम करते हैं। और जो अपना होटल, अपना होटल यहाँ से बहुत नीचे की तरफ है, हम गाड़ी पर जाते हैं वहाँ से नीचे, रोड से बहुत नीचे है, तो काफ़ी नीचे यहाँ से तो दिखाई नहीं देगा। गाइस मैंने आप लोगों को यहाँ दिखा लिया है, अभी हम थोड़ा बाहर चलते हैं और बाहर से नज़ारे दिखाते हैं आप लोगों को, काफ़ी अच्छा व्यू दिखाएं और बताएंगे इधर के बारे में, कैसे यहाँ के लोग रहते हैं, कैसे ये लोग यहाँ की लाइफस्टाइल है, तो बताऊंगा, थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को। तो चलते हैं बाहर और दिखाते हैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा। तो चलिए मेरे साथ आगे रूम से ऊपर, और देखिए यहाँ पे ये रोड है, क्योंकि हम जब ड्यूटी जाते तो हम यहाँ पे वेट करते हैं। तो अभी हम दिखाने वाले आप लोगों को बहुत ही यहाँ से ब्यूटीफुल नज़ारा है यार। यहाँ पूरा ना ऐसी नज़ारा है, पूरा देख सकते हो ऊपर, पूरा जंगल ही जंगल है, हर जगह देखो जंगल ही जंगल दिखेगा आप लोगों को, देख सकते हो। घर देखना जंगल के बीच में, वो घर देखना ऊपर वाला, देखो पूरे जंगल में ही है वो, देख सकते हो। तो कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे। और ये जो फ्लैग है ना, ये फ्लैग आप लोगों को देखने को मिलेगा, ऐसे फ्लैग आप लोगों को नेपाल में देखने मिला, क्योंकि नेपाल की नियर बाई है। ये वाला फ्लैग वो है जो यहाँ इलेक्शन होते हैं ना, उनका फ्लैग है पॉलिटिशियन। और देख सकते कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ पे। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ अकेला, क्योंकि आज किसी दोस्तों की छुट्टी भी नहीं है, तो डिसाइड करके चलते हैं यहाँ से कहीं। और यहाँ पे ये दुकान है, हम जब कुछ खाते पीते कुछ सामान लेते तो हम यहाँ से लेते हैं। और यहाँ से आगे सीधा पक्कियों का मार्केट है, इस रोड से हम सीधे जाते तो पक्कियों में पहुंच जाते, वो थोड़ा छोटा सा मार्केट है। तो ये लोग हैं ना यहाँ पे, ये लोग काफ़ी आज घूम रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या ले जा रहे भाई आप लोग? ये देखिए गाइस मछली। और किधर घूम रहे? कल भी छुट्टी था, आज भी छुट्टी, दोनों का किधर घूम रहे हो तुम लोग? तो गाइस देखिए इन दोनों की शक्ल, ये है कहाँ से हो? ये हमारे साथ काम करते होटल में, और नेपाल से हो ना? दार्जिलिंग। हिंदी आता है? हिंदी तो बोल रही हूँ अब तो बोलो। हाय गाइस, मेरे सिर्फ लाइक कमेंट फॉलो सब कर देना। और ये रहा आपका? तो गाइस इसका नाम है दीक्षा और ये नेपाल से है, और ये हमारे साथ काम करते होटल में। क्या काम करती है? सर्विस में, सर्विस में करती है, ट्रेनिंग में ना, आईटी कर रही है। तो हिंदी आती है प्रॉपर? थोड़ा थोड़ा उतना नहीं आता है। कुछ बताइए नेपाल के बारे में। क्या बता, नेपाल बहुत गर्म है, हमारे जगह तो इधर तो बहुत ठंडा है। कैसा लग रहा है इधर? इसीलिए अच्छा ही लग रहा है, अच्छा है इधर। क्या बताऊं, इधर एकदम अच्छा है। लड़कियां उसको टेक्स्ट मत करना मेरे को। तो अभी कहाँ जा रहे तुम लोग? अभी अपने भैया के पास। और दीक्षा और सुनो, और क्या सुना? और तो ऐसा ही अच्छा है सब। एज कितनी है? 20 गाय से कितनी एज की लग रही है देखना, आप बताना कितनी एज की लग रही है। कितनी की लग रही है? 16। हाँ मेरे को वैसे लग रही, काफ़ी छोटी लग रही है ना।
तो जाइए तुम लोग, मिलेंगे कल होटल में और मिलेंगे कुछ बना के खिलाना सिर्फ। ओके बाय, ठीक है, बाय बाय बाय। तो यार चलते थोड़ा आगे की तरफ, वो हमारे आज एक की नाइट है और एक काम करता है इस होटल में, तो काफ़ी अच्छे लोग हैं। एक वो लड़की नेपाल से है और लड़का है जो दार्जिलिंग से है। एरिया देखिए आप सिक्किम का कैसा है, पूरे जंगल जंगल है। और मैं आप लोगों को सामने दिखाऊँ ना, ये देख सकते हो सामने का व्यू, देखिए पूरा जंगल है यार, कसम से बोलूँ, देख सकते हो गाइस ये देखिए। और मैं भी जा रहा हूँ आप लोगों को आगे का व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ का व्यू, नीचे का पूरे खेत खेत है और खेत में कुछ लगे है, वहाँ क्या लगे है पता नहीं यार, कुछ तो लगा है खेत में, देख सकते हैं। और ये बताइए उत्तराखंड में और इधर में कितना फ़र्क है। देखिए मेरे को तो लगता है यार इधर थोड़ा पहाड़ ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जो कि पहाड़ पे ही घर बने पड़े हैं, उत्तराखंड में थोड़ा इतना ज़्यादा नहीं है, और तो पूरा सेम है। और यहाँ पे देखिए ये पेड़ कैसे आ रखा है यार, आजकल बहुत ज़्यादा बारिश लग रही है, कहीं पेड़ टूट रहा है देख सकते हैं, ये भी पूरा नीचे आ गया, मेरे को लग रहा है टूट जाएगा देखिए। और तार के ऊपर देखिए, तार के ऊपर आ रखा है। और यहाँ पे कुछ ये क्या चीज़ है यार, ये कुछ लगे पड़े पूरे खेत में, देखिए पता नहीं किस चीज़ का है ये पेड़। तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे आप लोगों को, बहुत बड़ा स्कूल है ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे स्कूल है पक्षियों का, और मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ, काफ़ी बड़ा स्कूल है। और यहाँ पे है ये कैंटीन, ये होगा इसको स्कूल, देख सकते हो काफ़ी बड़ा है, और अंदर अभी बच्चे लोग खेल रहे हैं वहाँ कुछ फुटबॉल। काफ़ी बड़ी जगह है और काफ़ी बड़ा स्कूल है ये, मेरे को इतना अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है इस स्कूल के बारे में, बट लगता है क्लास 5 से स्टार्ट होगा और 12 तक ऐसा कुछ हो सकता है ये, देखिए ऊपर भी। इस यहाँ से धीरे धीरे पक्षियों का मार्केट चालू हो रहा है, तो कुछ ऐसा ही मैं दिखाऊंगा आप लोग को, काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो देखिए ये है कुछ यहाँ का मार्केट हो रहा है जो यहाँ से स्टार्ट हो गया है, और देख सकते हो और ये यहाँ का वेजिटेबल मार्केट जो कि यहाँ पे मेंशन किया है देख सकते हो। और देखिए कुछ ऐसा है, और यहाँ पे कुछ मंदिर टाइप का है यार, पता नहीं कुछ तो है। तो गाइस नीचे भी टैक्सी स्टैंड है पूरा, और अभी यहाँ पे बहुत कम टैक्सी, क्योंकि अभी लगता है कोई कोई चली गई है और जा रही है, और आती जा रही जाती जा रही है। और यहाँ ऊपर भी टैक्सी स्टैंड है जो कि यहाँ पे कार वार खड़ी है देख सकते हो, और वहाँ पे लिखा भी है देखो सैमसंग नमचाउंग अधारी लोकल टैक्सी स्टैंड, कुछ ऐसा लिखा है। और देखिए ये है यहाँ का पक्यों मार्केट, कुछ ऐसा मार्केट है भाई यहाँ पे देखिए, और वहाँ का व्यू देखिए सामने ऊपर का व्यू, देखा क्या खतरनाक व्यू है। मेरे को लग रहा है शाम को इधर बारिश होगी, क्योंकि रोज़ इधर बारिश होती है शाम को यार। से घर की तरफ को, क्योंकि मैं आप लोगों को इधर का थोड़ा हिस्ट्री का बता दूं, सिक्किम पहले इंडिया का पार्ट नहीं था, वो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होगा, वो बाद में इंडिया से मिला है। और गाइस सिक्किम में नेपाली लैंग्वेज बोली जाती है, मैं सोचा यार मार्केट गए तो कुछ ख़रीद के लाऊं, तो मैंने कुछ ख़रीद के भी लाया है। तो मैं बता दूं सिक्किम में नेपाली लैंग्वेज बोली जाती है, ये नेपाल से काफ़ी मिलता जुलता स्टेट है, और यहाँ पूरी नेपाली भाषा ही बोली जाती है, और थोड़ा बहुत बंगाली भाषा भी बोली जाती है, और हिंदी तो खैर सब बोलते ही है, हिंदी समझ में आता है इधर, और जो इधर की लैंग्वेज है वो है नेपाली। तो काफ़ी अच्छा स्टेट है, काफ़ी ब्यूटीफुल स्टेट है, पहाड़ से पूरा घिरा है, जो कोई इधर घूमने आया होगा जिसने सिक्किम देखा होगा उनको पता होगा। यहाँ कहीं भी जाओ ना तो यहाँ आप लोगों को कहीं भी पंखा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अभी गर्मी का महीना है, तो अभी भी इधर ठंडा लगता है, बारिश स्टार्ट होने वाली, इसलिए मैं घर की तरफ आया। अदर स्टेट के से कंपेयर करूँ तो इधर बहुत ज़्यादा महंगाई है,
क्योंकि इधर हर चीज़ यार बहुत महंगा मिलता है, मैंने काफ़ी देख लिया है। भाई कुत्ते आ गए रास्ते में खेल रहे थे। अरे डरो मत भाई, मेरे से मत डरो। सो गाइस मैं पहुंच गया हूँ अपने घर की तरफ, अपने रूम की तरफ। तो आप लोगों को कैसी लगी यार ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, आप लोग का लाइक कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है क्योंकि मेरे को बहुत मोटिवेट करता है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों को और भी अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। तो ये देख सकते हैं मैं पहुंच गया यहाँ पे, और इसमें अपना रूम है यहाँ पे। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।